की कमी समेत बच्चों के व्यवहार में हो रहे कौन से चौंकाने वाले खुलासों का हुआ जयपुर के जेके लॉन अस्पताल की रिसर्च में खुलासा, इस रिपोर्ट में हम जानते हैं। सीधे आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वीसी कर रहे हैं, हेलमेट वितरण कार्यक्रम को लेकर यह वीसी है, सीधे आपको लिए चलते हैं। अभियान को काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। मैं कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दुख संघ अध्यक्ष एवं माननीय विधायक महोदय को अनुरोध करूंगी, कृपया उद्बोधन प्रदान करा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कृषि मंत्री महोदय जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, हमारे डेयरी मंत्री जी, सभी अधिकारीगण और सभी विधायकगण, हमारे सांसद महोदय, हमारे वर्तमान भीलवाड़ा के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और मीडिया के सभी साथीगण, मैं श्रीमान की प्रेरणा से ही जो सामाजिक जन कल्याण की योजनाएं जो आज से नहीं, जब आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तब से ही आपके मन में ये चीजें थी। जब पहली बार मुख्यमंत्री जी बने तब आपने मैनेजमेंट, भयंकर अकाल की स्थिति में भी जिस तरीका मैनेजमेंट किया, दोबारा जब मुख्यमंत्री जी बने तो सामाजिक जन कल्याण की योजनाएं, ऐसी चीजें जो बुजुर्ग लोगों की कोई सेवा करने वाला नहीं है, उन लोगों को आपने जिस तरह का सहयोग प्रदान किया, आज भी गांव में बुजुर्ग बच्चे माता पिता अशोक गहलोत जी को याद करते हैं। उन्हीं चीजों को सीखते हुए हमने 3 से 9 नवंबर 2019 को करड़ा में जो हेल्थ शिविर कैंप किया हमने आयोजन, उसमें मान सम्मानीय आप पधारे थे, तब आपके श्रीमुख से ही आपने पहला सुख निरोगी काया जब 17 दिसंबर से जो चालू किया 3 दिन का, तो वहीं पे आपने घोषणा की थी भिलवाड़ा दूध संघ प्लस हमारे परिवहन विभाग के भाई डीटीओ वीरेंद्र सिंह सब मिलकर इनकी सड़क सुरक्षा सोसाइटी, और हमने स्टील बर्ड कंपनी से टाइप किया, उन्होंने सब्सिडी के रूप में जो हमारी वर्बली बात हो चुकी थी तब श्रीमान ने 10,000 हमने घोषणा की थी हेलमेट वितरण करने की, लेकिन हमने जब सोसाइटी विलेज वाइज रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो रजिस्ट्रेशन में हमारे पास इतनी भीड़ उमड़ के आई कि हमारे लगभग 15,000 मेंबर आ गए जब हमें रोकना पड़ा, बाकी और लोग आ रहे थे। इसमें हमने ट्रेनिंग करवाई श्रीमान, जब हमारी एजीएम थी आम सभा 3,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग भी दी है, उसका काम राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने ही पैसा खर्च किया, जिसमें परिवहन विभाग और प्लस डेयरी के लोग मिलकर तहसील वाइज भी हमने कैंप लगाए, और जो लोगो हमने सरस और अग्रदूत का कंपनी से टाइप करके उसमें हेलमेट हमने लिए 400 रुपए में, हम ये सारे फ्री में भी दे सकते थे, हमारा गिनीज बुक में देश का दुनिया का पहला प्रोग्राम है, हमें गिनीज बुक की कंपनी ने भी जब उससे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा आप निःशुल्क दें, लेकिन हमारे संचालक मंडल और प्लस जो सहयोग करने वाले लोग थे उन्होंने कहा फ्री में दोगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए श्रीमान हमने 400 रुपए नॉर्मल चार्ज में जो आराम से इजी दे रहे हैं, कुछ हमारी समिति का योगदान, कुछ भिलवाड़ा दूध संघ का योगदान करके हमने ये 400 रुपए में, हमने पहले पैसा भी ले लिया, उनसे रजिस्ट्रेशन भी हो गया बाकायदा गाड़ी नंबर सहित, ये प्रोग्राम हम बड़ा करना चाह रहे थे श्रीमान, लेकिन कोविड की वजह से ये चीज नहीं हो पाई, बाकी 15,000 मोटरसाइकिल को एक साथ एक दुनिया में एक मैसेज जाता कि ग्रामीण एरिया में हमारे भीलवाड़ा जिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं उसमें 2 डेथ पहली एक्सीडेंट में पर डे होती है, जिसमें 70% गांव के अचल के लोगों की होती है, इसीलिए हमारे डेयरी में यह प्रोग्राम किया, हमारे डेयरी फेडरेशन के MD और पशुपालन सेक्रेटरी सबने मिलकर इस चीज की चर्चा की, हमारे बोर्ड में निर्णय लिया, फेडरेशन से हमने स्वीकृति ली, उसके बाद इस काम को हाथ में लेते हुए जब ये काम आज आपके कर कमलों से होगा। श्रीमान मैं एक डेयरी के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जब 18/8/1972 को बरकतुल्ला खान साहब जब मुख्यमंत्री जी बने, यहाँ शिवचंद माथुर साहब, रामप्रसाद जी लड्डा साहब थे, तब यहाँ की स्थापना हुई, मात्र 250 लीटर दूध से संघ का निर्माण हुआ था। आज मुझे कहते हुए खुशी है लगभग 4 लाख लीटर दूध का ये पर डे का प्लांट चल रहा है, अब हमारी कैपेसिटी भी नहीं रही है। श्रीमान राजस्थान सरकार में पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने डेयरी के में अपना फंड देकर स्टेट गवर्नमेंट का 2 रुपए प्रति लीटर आपने इसकी शुरुआत की, इसलिए पशुपालक आपके ऋणी भी हैं, हमेशा याद करते हैं उनके बच्चे साहब, साल भर में 1 किलो पेट में गोबर चला जाता है किसान की औरत के आदमी के, उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाता, इसका 2 रुपए आपने उस चीज पर ध्यान दिया, पहली बार राज्य सरकार का प्लानिंग में एक पैसा भी नहीं था, आपने शुरुआत की। श्रीमान हमने
नया प्लांट लगाने के लिए डीआईडीएफ जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार लोन देती है, इसमें उसमें हमने स्वीकृत करवाया आपके ही प्रयास से। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भाई राजीव शर्मा जी और निरंजन जी ने इसमें हेल्प की और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमारे टेंडर हो गए 74.72 करोड़ का, 5 लाख लीटर, 2.5 लाख लीटर कैपेसिटी पहले की है, 5 लाख लीटर नई जो यहाँ के बेरोजगार लड़के हैं उनको एक योगदान मिलेगा जिसमें 15 करोड़ रुपए हमारे गवर्नमेंट के डेयरी के लगेंगे, वो मंजूर हो गया। अगले महीने मैं इसलिए ये चीज आपको निवेदन कर रहा हूँ, अगले महीने फिर आपको इसका शिलान्यास वीसी के द्वारा ही करना पड़ेगा श्रीमान, इसलिए मैं तारीख भी चाहूंगा। और हर साल हमारे डेयरी का प्रॉफिट हो रहा सर, हमारा पिछले 19-20 का 570 करोड़ का टर्नओवर है, 14 करोड़ लगभग प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस कोविड में भी हमने बराबर पैसा दे रहे हैं किसान को हर 15 दिन में, और आने वाले टाइम में पेमेंट पर डे हो और नई चीज नई तकनीकी आपके माध्यम से हम लेकर आए, किसान को दूध देते ही उसके टेलीफोन पे मैसेज आ जाता, ये प्रक्रिया भी हिंदुस्तान में एक केरल एक डिस्ट्रिक्ट और एक बेंगलोर, तीसरा राजस्थान में भिलोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अभी आईडा की ये सेमिनार हुई जिसमें हमें इनाम भी मिला है कि राजस्थान में पहली संघ है जो ये काम करने जा रही है, और हमने शुरू भी कर दिया है, लगभग हमारी 300 सोसाइटियों में ये प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू हो चुकी है, अगले 2 महीने में हम इसको पूरे संपूर्ण जिले में इसको लागू कर देंगे। श्रीमान जो आपने पहला सुख निरोगी काया की केवल घोषणा ही नहीं की, उसके लिए आपने जो आदमी भी बनाए, हमने दौड़ लगाकर सारे अधिकारी सभी नेता लोग काम इसमें काम किया, उसी के परिणाम है कि आज कोविड में हमें ज्यादा पूरे दुनिया के स्टेटों को देखते हुए सबसे कम पेशेंट यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा और आपने हमें समय दिया भीलवाड़ा संघ को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके स्वास्थ्य की लंबी उम्र की कामना करता हूँ, धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद, आपने जो कहा है भीलवाड़ा दूध संघ की कड़ी में आगे मैं अनुरोध करूंगी माननीय यातायात मंत्री महोदय को कृपया उद्बोधन प्रदान कराने। हमारे सबके नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कटारिया साहब, हमारे मंत्री आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब, आदरणीय रोहित कुमार सिंह जी, आदरणीय आर्य साहब, आदरणीय राका साहब, जैन साहब, टाका जी, पशुपालन के शासन सचिव महोदय सोनी जी, डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक जी रामलाल जी, धीरज जी और तमाम हमारे साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान के अखबार में आज छपा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आज यहाँ पे राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया, और उसके पीछे बड़ा मकसद एक ही था कि लोग अवेयर हो, लोग अपनी जिंदगी बचाए, दूसरे की बचाए। सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं में जब किसी एक की भी डेथ होती है तो सबकी आत्मा रोती है। सड़क दुर्घटनाओं में डेथ को रोकना, लोगों को विकलांग होने से बचाना, किसी भी घर में रोने की आवाज नहीं आए, ये तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और वो तय करने के लिए रूल्स रेगुलेशन तय किए जाते हैं, स्ट्रिक्टनेस तय की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में इस बार बहुत ज्यादा जुर्माना राशि तय की गई। राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़कर कहा कि आप इस जुर्माना राशि को कम कीजिए, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था वो हमने जनहित में जितना हम कम कर सकते थे वो कम किया। लेकिन आज आपने जो हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है पूरे देश में, पूरी दुनिया में 15,000 हेलमेट का वितरण करना, लोगों की सुरक्षा को लेकर अवेयर होना और लोगों में इस कंपटीशन के जरिए आगे आकर हेलमेट की बुकिंग कराना, ये बहुत बड़ी बात है। सड़क सुरक्षा अग्रदूत को लेकर हमने रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में तय किया था कि हम ग्राम पंचायतों में 50-50 सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाएंगे और उन सब के लिए हेलमेट की व्यवस्था करिए। हम डिसीजन रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में ले चुके हैं, लेकिन ये रामलाल जी आप सबसे आगे हो और आपने ये बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ पर की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इस वक्त हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान हो या पूरा देश हो, डेथ 1.5 लाख डेथ पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रही है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकी जाए,
इसी को लेकर राजस्थान की सरकार भी अलग अलग मॉडल पर विचार कर रही है कि किसी भी तरह से ऐसा मॉडल लागू किया जाए। हमने भी पूरे राजस्थान में जहां भी ब्लैक पॉइंट्स है, जहां भी सड़क पर क्रॉस जहां करती है सड़क, वहां पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसको लेकर हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और नितिन गडकरी जी को आगे बढ़कर कहा कि आप ये जो हाईवे है, चाहे वो जयपुर से दिल्ली का हाईवे, आप पूरा नहीं कर पाए और उसके कारण बहुत दुर्घटनाएं होती है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जयपुर से दिल्ली हाईवे पर होती है। भारत सरकार को हमने बार बार कहा कि यदि हाईवे बने तो इस तरह से बने कि वो दोनों तरफ इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग हो कि वो सड़क दुर्घटनाओं का कारण नहीं बने। और ये सड़क दुर्घटनाएं रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जो हेलमेट वितरण कार्यक्रम है वो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि आपने ये जो शुरुआत 15,000 हेलमेट वितरण की, हमारे मन में तो भावना थी, हालांकि ये बड़ा फिगर है कि हम ये सोच रहे थे कि पूरे राजस्थान के हर ग्राम पंचायत से 50 सड़क सुरक्षा अग्रदूत हम बनाएं, उनके लिए हेलमेट की व्यवस्था करें, वो सरकार का हिस्सा बने और 5,00,000 लोगों की रैली जयपुर में की जाए उन सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को इकट्ठा करके, क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल में बड़ा फंड राजस्थान में भी पड़ा हुआ है और वो फंड खर्च हो, उसके जरिए रोड सेफ्टी को लेकर हम निश्चित रूप से ऐसे काम कर पाए कि जिससे सड़क दुर्घटनाएं रुक सके। हमारा यही प्रयास है कि किसी भी कीमत पर हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जुर्माना राशि वसूल कर ली जाए और रोड सेफ्टी के जरिए या जुर्माना राशि बढ़ाकर जुर्माना वसूल करें, मकसद सिर्फ एक है कि सड़क दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए, आम आदमी सुरक्षित रहना चाहिए। जब आदमी हेलमेट लगाता है, ये आंकड़ा सबके सामने आया है कि यदि जो डेथ हो रही है वो सबसे ज्यादा सिर में चोट के कारण डेथ होती है। जो लोग हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट का बक्कल बांध कर चलते हैं, उन लोगों का डेथ रेशियो कम हुआ है। जिसके हेलमेट खुला नहीं, जिसने हेलमेट बांध कर चला वो गिर गया, उसके बाद बहुत ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और उसका सर बिल्कुल सुरक्षित रहा, वो खड़ा हो गया, अपने घर पहुंच गया। तो मैं आज के दिन आपको बधाई देता हूं और ये भरोसा देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान की सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम, लोगों को साथ में लेकर अच्छे से अच्छे कदम, लोगों को साथ में लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम और सड़क सुरक्षा के जरिए जिस तरह से कोरोना को लेकर राजस्थान पहला राज्य बना और मुख्यमंत्री जी ने जागरूकता अभियान चलाया, वैसे ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी समय समय पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तो चलते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाकर, और ये जागरूकता आज आपने शुरू कर दी है हेलमेट वितरण के जरिए, मैं आपको बधाई देता हूं और भरोसा देता हूं कि परिवहन विभाग हमेशा आपके साथ खड़ा है, सबके साथ खड़ा है, हम सब मिलकर निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। धन्यवाद। जय माननीय मंत्री। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।